तो जी गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, जो मेरे भाई की इंगेजमेंट हुई थी, तो उसकी फियांसी के लिए हमने सोचा कि उसको पहली बार हमने ईदी देनी थी, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोग गए थे, मैंने कल आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर किया था कि हमने किस तरह से उसके लिए ड्रेसेस ढूंढने की कोशिश की कि हमें कोई बहुत प्यारी चीज़ मिले, और कुछ प्यारा इतना था ही नहीं कि बंदा जो बोले कि हमें ये ले लेना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सी शॉप्स घूमे, बहुत जगह हमने देखी, लेकिन हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। उसके बाद जो हमने दोस्त के लिए लग्जरी कलेक्शन वाले सूट्स खरीदे, तो मैं अभी आप लोगों को उसका रिव्यू कराती हूँ। ये देखें, इसकी मॉडल पिक्चर इस तरह से है, और ये जो है पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, इसका दुपट्टा भी एम्ब्रॉयडर्ड है, और इस तरह से हमने सोचा कि ऐसी ड्रेस जो है वो पहन के बहुत अच्छे लगेंगे, थोड़ा फॉर्मल लुक भी आ जाएगी, और लॉन भी है, लॉन की थोड़ी स्टाइलिंग भी की जा सकती है, तो बहुत अच्छा लग सकता है। तभी मैं आप लोगों को इसको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह का ड्रेस है और इसका क्या कलर है, कैसी इसके साथ चीज़ें एसेसरीज़ क्या है, वो सब कुछ अभी आप लोग देखेंगे। जो सिर्फ रखने ही ना पड़े बल्कि पहने भी जाएं, तो पहनकर फिर वो प्यारे भी लगे और लोग पूछे कि यार आपने कहाँ से लिए इतने प्यारे कपड़े, तो इसी वजह से हमने उसके लिए ये वाला ड्रेस लिया। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर पूरी हैवी किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और पूरा जो है कटवर्क वाला काम हुआ हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में कटवर्क, तो मैं कहती हूँ आजकल इतना चल रहा है, जिस दूसरे बंदे का देखो कि उसके पास वही ड्रेस होता है। मैं उस दिन टेलर के पास गई मैं अपना वाला देने के लिए, जो मैंने आप लोगों को अपने कुछ पहले व्लॉग में दिखाया था कटवर्क वाला ड्रेस, तो मुझे टेलर कहता है कि बाजी आजकल तो हर कोई ना बस इसी तरह के कपड़े ला रहा है और कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई आजकल लेटेस्ट यही चल रहा है, तो उसको मैंने कहा भाई यही सब कुछ लेटेस्ट यही है आजकल। वो कहता है जो कस्टमर आ रहा है, जो भी आता है, वो उसके यही कपड़े होते हैं कटवर्क वाले। मैंने कहा तो भाई बस आजकल यही है, और प्यारा भी बहुत लगता है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मुझे ये सुराखों वाले कपड़े जो कटवर्क होता है मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये इसकी शर्ट की पूरी लुक है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारी, इस पर एम्ब्रॉयडरी भी, मैं आप लोगों को करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी है, और बहुत अच्छा है, पहन के भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर हमने जो है कल बहुत हमने फिर बहुत ढूंढ ढूंढ कर ईदी के, क्योंकि कपड़े हैं फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो पहन कर बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। तो अभी मैं आपको इसकी और चीज़ें दिखा देती हूँ। अच्छा जी गाइज, ये जो है ना इसके दामन पे लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग इसकी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे शर्ट आपको लगता है कि थोड़ी शॉर्ट है, तो फिर उसको इस तरह से जो नीचे दामन पर ये आएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और बिल्कुल जो लॉन्ग शर्ट इसकी बन जाएगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। आप लोग इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक कर सकते हैं कि कितनी नीट एंड क्लीन, और कितना अच्छा इस पर फैब्रिक वगैरह हर चीज़ जो है वो यूज़ हुई हुई है। तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा दामन पे, ठीक है, ये इस तरह से लगेगा पैच इसका। और इसके अलावा जो ये वाली भी इसकी लेस है, जो कि बहुत ही क्यूट सी है, ये भी कटवर्क हो जाएगी, जैसे हम टेलर वो एप्लिक वाले को देते हैं ना, तो वो इसके ये होल्स ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से है, ये भी इस पर लग जाएगी, और मैं आप लोगों को और इसकी चीज़ें दिखा देती हूँ। उसके अलावा देखें, ये इसके स्लीव्स पे आएंगे, ये कितना प्यारा है, इसको जो है नेक पे भी लाया जा सकता है और स्लीव्स पे भी लाया जा सकता है, तो ये भी कितनी खूबसूरत इसकी लेस है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो ये बेस्ट कपड़े ही हैं जो मैंने ख़रीदे हैं, और मेरी मामा भी साथ थी, मामा ने ख़रीदे, हमने ख़रीदे, हमने कहा कि कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए जो पहन के भी बहुत प्यार लगे, और जिसको दे तो उसका दिल भी खुश होना चाहिए। उसके अलावा अभी जो मैं आप लोगों को और दिखा देती हूँ, ये इसकी बैक साइड का फैब्रिक आ गया। उसके अलावा जो है ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक आ गया। अभी मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखा देती हूँ, जो कि वो भी कटवर्क वाली है। ये आप लोग देख सकते हैं इसकी स्लीव्स आ गई, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उसके आगे तो वो लेसेस लगेंगी ना, जिससे वो एक प्रॉपर फिनिश्ड लुक आएगी। जैसे कि ये हो गया स्लीव्स का, और आगे जो है वो इस तरह से इसके साथ ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ऐसे जब स्लीव्स बन जाएंगी ना, और आगे से कटवर्क हो जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फिनिश्ड एंड फाइनल लुक आएगी। अभी मैं आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत दुपट्टा दिखाती हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत अमेजिंग लगेगा। और वाकई में इसका जो दुपट्टा है ना, वो इसकी जान है इस ड्रेस की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आप लोगों को अब इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। ड्रेस मैंने आपको पूरा रिव्यू करा दिया, एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव्स आ गई इसकी, ठीक है। ये वाली जो स्लीव्स हैं, ये भी पूरी कटवर्क वाली हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से फैब्रिक है। गला जो है इसके ऊपर बना हुआ है, शुक्र है कि गला इसका सेपरेटली नहीं दिया हुआ था, वरना वो फिर एक और टेंशन के आजकल जो है वो, अभी क्योंकि ईद आजकल में ही हो जानी है, तो फिर टेलर जो है वो बहुत नखरे करते हैं, एप्लिक वाले लेकर जाते हैं कपड़े, अगर हम उन्हें दें तो वो इतने इतने घंटे अपने पास रखते हैं, लाइक तीन तीन दिन तक वो रखे रहते हैं उनके पास। अभी मैं आपको उसका खूबसूरत सा दुपट्टा दिखाती हूँ। ओके जी गाइस, अब आ गया इसका बहुत खूबसूरत सा दुपट्टा। आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा जो है कटवर्क वाला दुपट्टा, और बहुत ही इसमें बड़े बड़े से होल्स हैं, और इतना खूबसूरत ये दुपट्टा, आप लोग चेक करें इसको।
और इसका काम चेक करें, इसकी क्वालिटी चेक करें, ये चीज़ें जो है ना बहुत ही रेयर होती हैं और हर जगह आपको नहीं मिलती, और ब्रांड्स भी जैसे लॉन्च करते हैं तो इस टाइप की चीज़ें फ़ौरन ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। और इसका जो दुपट्टा है उसका पूरा बॉर्डर भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये फोर साइड के ऊपर इस तरह से, और काफ़ी लॉन्ग लेंथ के अंदर इसका दुपट्टा है। और इसकी जो ये चीज़ है दुपट्टे के पल्लुओं पे ये आएगा तो ये बहुत ज़्यादा प्यार लगेगा। और ऑर्गेन्जा पे इसका जो है वो दुपट्टा है, और ये इसकी बोथ साइड्स आ गई, तो आप लोग इस दुपट्टे को चेक करें कितना खूबसूरत है। इसकी जो पूरी ड्रेस की लुक है इस दुपट्टे से ही आ रही, क्योंकि इसकी शर्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, और फिर स्लीव्स का भी आपको मैंने सारा कुछ दिखा दिया, और ये आ गए इसके खूबसूरत से दुपट्टे के पल्लू, ठीक है। और जो बॉर्डर्स हैं दुपट्टे की वो प्रॉपर इस तरह से बने हुए हैं, इसमें कुछ ये नहीं है कि अगर आपने खुद बनाना पड़े या अटैच करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ इसी में बना हुआ है। ओके जी गाइस, जो दूसरा ड्रेस है वो ये वाला है। ओके जी गाइस, जो दूसरा ड्रेस है वो ये वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, और ये भी हमने कटवर्क वाला ही लिया है, क्योंकि आपको पता है आजकल इसका बहुत ज़्यादा फैशन है, और जो मार्केट में कुछ न्यू है ही नहीं इसके अलावा, मतलब आजकल जो नई चीज़ है वो सिर्फ ये कटवर्क ही है, और बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने इस तरह का ड्रेस लिया। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। इसकी जो स्टिचिंग मॉडल निकल आई है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसकी नेक देखें। ओके जी गाइस, अभी मैं आप लोग को इसकी जो शर्ट का फ्रंट है वो दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब कुछ इतनी अच्छी है, नीट एंड क्लीन सी है, और इसके अंदर जो है पैनल्स भी बने हुए हैं जिनके ऊपर भी होल्स हैं गोल गोल से, और वो अच्छे लग रहे हैं इस तरह से, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर लुक आ रही है। वो जो इसके अंदर जो सेंटर वाला पार्ट है वो ब्लू ब्लू सा है, और बाकी जो है इसके अंदर ऑफ वाइट की एम्ब्रॉयडरी भी है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सोचा आप लोगों को भी इसके साथ पूरा रिव्यू कराती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें, क्योंकि हमारे ड्रेसेस के व्लॉग्स तो रोज़ आते ही रहते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा जो जो नई नई चीज़ें आ रही हैं तो मैं आप लोगों को वो भी साथ में दिखाऊं, क्योंकि अभी ईद का सीज़न है तो इन पे सेल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये फुल प्राइसेस पे ख़रीदें, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग इसका काम वगैरह देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारी, और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था ना कि इमेज ब्रांड के ऊपर भी इसी तरह के जो चिकनकारी वाले ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक 15,000 and 20,000 इस तरह से उनकी जो स्टार्टिंग रेंज इतनी ही होती है 15 to 20। तो फिर ये आप लोग देखें कि ये कितना अच्छा और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, ये 6500 का, और जो मैं आप लोगों को इसको प्रॉपर दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी इसका क्लोजअप देख लें। और फिर हमने जब ये क्योंकि पैक भी करने ओके जी गाइस, ये आ गया दामन वाला बॉर्डर, आप लोग देख सकते हैं ये दामन का बॉर्डर है, क्योंकि लेंथ जो होती है वो इतनी होती है, इनकी जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है उसके नीचे जब एक्सटेंशन जो इसी के साथ लगेगी, इसी दामन का जो बॉर्डर है ऐसे लगेगी, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो एम्ब्रॉयडरी है वो कितनी प्यारी, और कलर भी जो है बहुत प्यारा वाला ग्रे, इसके अंदर जो है थोड़ा सा कुछ और टाइप का कलर आ रहा है, थोड़ा ऑफ वाइट सा आ रहा है। उसके अलावा जो है ये काफ़ी बड़ा पैच है, आप लोग इसके पैच को देख सकते हैं, जो कि फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स पर लगेगा, और फिर जो शर्ट है ये पूरी एक्सटेंड हो जाएगी इसी तरह से, क्योंकि जो है ये इसके साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। मैंने आप लोगों को पिक्चर में भी दिखाया, मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पिक्चर में किस तरह से, फिर जो उसके साथ कनेक्टेड लेस लगती है उस लेस के साथ जो इसको अटैच कर दिया जाएगा दामन, ये देखें इस तरह से, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसी की लुक जो ऐसे सेम स्टिच करवाएंगे तो फिर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा दामन और ये रहा सेम। ओके, देन नीचे से जो ये कटवर्क भी हो सकता है, फिर लेस भी इस तरह की लगवा के हैंगिंग्स के साथ बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। अभी जो है ये पैचेस आ चुके हैं स्लीव्स के ऊपर जो कि अटैच होंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये जो इसकी चीज़ है लुक इसकी टोटली चेंज हो जाएगी, इससे आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे लगेंगे बाजुओं के ऊपर, और फिर इस तरह से जो है बहुत ही खूबसूरत एक फाइनल लुक आएगी जब बाजू इसके तैयार हो जाएंगे, तो ऐसे होगा, और फिर उसके आगे जो है ये वाली लेस लग जाएगी, तो बहुत ही क्यूट सी लुक आएगी। मैं आप लोगों को इसके बाजू दिखा देती हूँ एक बार, ये देखें ये जो है इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं पैचेस, तो इस तरह से जो ये पैचेस लग जाएंगे इस स्लीव्स के ऊपर। तो जी अब आ गया इसका बहुत ही खूबसूरत सा गला जो कि इस ड्रेस की जान है, और इतना खूबसूरत ये बना हुआ है गला, जब ये इस पर लग जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, आप लोग देख सकते हैं इसकी खूबसूरत सी लेसेस जो कि ट्राउज़र के बॉर्डर पे लग जाएंगी, एक जो है जैसे ट्राउज़र के अंदर लग जाएगी और एक उसके पांचे पे लग जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप लोग देख सकते हैं इसकी एसेसरीज जो है वो कितनी ज़्यादा है और कितना खूबसूरत ये ड्रेस है, इसके ऊपर काम भी आप लोग चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को करीब करीब से भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह की चीज़ है। और ट्राउज़र जो मैं आप लोगों को इसका दिखा देती हूँ कि इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे इसका ट्राउज़र बना हुआ है,
तो इस तरह की जो इस सेंटर में जो मोटी सी पट्टी आ रही है ये ट्राउज़र के सेंटर में आ जाएगी, जैसे कि अगर हम उसको स्टाइलिंग उसी तरह से करें तो फिर इसकी जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब आ गया इसकी स्लीव्स के बॉर्डर, आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत है, ये वाले जो है वो स्लीव्स के नीचे आ जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इस तरह से इसकी लुक आएगी प्रॉपर जब स्लीव्स के साथ ये अटैच हो जाएंगे, बहुत ही प्यारी और नीट एंड क्लीन इसकी एम्ब्रॉयडरी। आप लोग इसकी एम्ब्रॉयडरी भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह इसकी एम्ब्रॉयडरी है, ये पूरी स्लीव्स के ऊपर पैच आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पूरा इस ड्रेस को रिव्यू कराऊंगी कि आप लोगों ने देखना और फिर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये ईदी कैसी लगी। आप लोग देख सकते हैं कि इस गले का तो आजकल बहुत ज़्यादा ही फैशन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वाला व्लॉग दिखाया था उसमें तो उन्होंने काम के साथ बनाया था, लेकिन जो ये लॉन के कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सारे ब्रांड्स उसको बहुत अच्छा बना रहे हैं और बहुत ही क्यूट लगता है, जैसे कि मैंने आप लोग को एक अपनी मारिया बी का व्लॉग दिखाया था, उसके अंदर भी इसी तरह का नेक था और वो भी मेरी कस्टमर थी जो कि स्पेन की थी, वो उनका ड्रेस था। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, इस तरह से जो ये गले के ऊपर जब अटैच हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो जी ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा लगेगा। तो जब इसकी फाइनल लुक आएगी तो मैं आप लोग के साथ इसकी स्टिचिंग वाली लुक भी शेयर कराऊंगी। ओके जी गाइस, अब आ गया इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा दुपट्टा। आप लोग देख सकते हैं इसके जो दामन है पूरी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है बहुत ही खूबसूरत सी, ये आप लोग देख सकते हैं ये भी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और इसकी जो दुपट्टे के अंदर ये पूरे ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं, इसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई और ये पूरा का पूरा जो है रेडी दुपट्टा है। आप लोग इसकी लुक चेक कर सकते हैं, ये ड्रेस जब बन जाएगा तो कितना ही खूबसूरत लगेगा और हमें जो यही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी और डिफरेंट लगी, तो हमने सोचा कि हम क्योंकि पहली बार ईदी दे रहे हैं तो फिर हम लोग जो है वो कोई प्यारी प्यारी चीज़ दें ताकि जो है ड्रेस पहनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस ड्रेस की लुक कितनी प्यारी है और जो है ये बनने के बाद जो है बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। आप लोग इसका दुपट्टा देख सकते हैं, बिल्कुल रेडी दुपट्टा है और मैं आप लोगों को उसका क्लोजअप दिखा देती हूँ, इसका काम वगैरह आप लोग हर चीज़ देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। और ये जो है बिल्कुल बना हुआ दुपट्टा है ऑर्गेन्जा के ऊपर, ऑर्गेन्जा के तो आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में और हर जो लग्जरी कलेक्शन के कपड़े होते हैं वो सारे उनके दुपट्टे जो ऑर्गेन्जा के ही ऊपर होते हैं। तो फिर जब ये बन जाएगा ड्रेस और इतनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, आप लोगों को मॉडल पिक्चर में भी दिखा देती हूँ, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये दुपट्टा इसी तरह से और ये बहुत ही प्यारा लगेगा बनने के बाद। तो जी गाइस, ये थे आज के ड्रेसेस जो कि ईदी हमने देनी थी, तो ईदी के कपड़े हैं। और इसके अलावा जो है मैं आप लोगों के साथ बाकी की चीज़ें भी शेयर कर देती हूँ, जैसे कि शूज़ हो गए और फिर हम और क्या क्या दे रहे हैं, मैं बास्केट भी पैक करके आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। चलिए जी, ये आ चुकी है बास्केट, तो मैंने कहा आप लोगों को बास्केट भी पूरी दिखा देती हूँ। अभी इसको खोलती है और शूज़ जो है मैंने रिबन से पैक कर दी क्योंकि मामा ने सारी चीज़ें लेके रखी हुई थी। हम लोगों ने कहा कि उनको जो है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करेंगे और बहुत ही प्यारी इनकी पैकिंग होनी चाहिए ताकि जब उन्हें मिले तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ कि देखो इन्होंने कितना प्यार से इतना अच्छा पैक किया। तो उसके बाद जो अभी हमने बस मैंने शूज़ उस बास्केट में रखे, अब समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि खाने पीने की चीज़ें थी और फिर शूज़ भी उसी में, तो फिर ये ज़रा अजीब सा लग रहा था। मामा भी कही थी कि इसमें अच्छा लगेगा, लेकिन फिर हमने कहा ये होता तो इसी तरह से कि इसके अंदर शूज़ वगैरह कपड़े चीज़ें खाने की सब कुछ जो एक हैवी सी बास्केट बना के दी जाती है, तो बस इसी तरह से जो ये बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं। और अभी जो हमने अपना केक भी ऑर्डर किया हुआ है कि केक भी हम लोग इसके साथ ही जाके देंगे ताकि जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर ये जो है बैग्स में कपड़े डाल दिए थे और दो सूट और भी थे, हमने कहा चलो वो भी उन्हें दिखा देंगे कि अगर जो वो भी रखना चाहें तो वो लोग रख सकते हैं। उसके अलावा जो ये बास्केट के अंदर जो है ये चीज़ें थी, जो मुल्तान का बहुत ही स्पेशल सोन हलवा आप जानते ही होंगे, बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये वो चीज़ें, और फिर निम्को के पैकेट्स थे, एंड देन जो है बादाम वाली खजूर है ये भी मैंने कहा चलो इसके अंदर रख देती हूँ अच्छे तरीके से ताकि जो है ये बहुत अच्छी लुक आए इसकी। उसके बाद अभी हमने ना चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी लेकिन टाइम इतना ज़्यादा कम हो गया था और हमने उन्हें देना भी था क्योंकि जो मेरे भाई की फियांसी उसने ड्रेसेस को स्टिच भी करवाना होगा, तो हमने कहा कि बस अभी और नहीं करते क्योंकि फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा। मैं ये बास्केट को बंद कर रही हूँ तो बस सारी चीज़ें पैक हो गई और देर भी काफ़ी होगी, तो बस फिर अब चलते हैं उनको देने के लिए चीज़ें, तो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि पहली बार कर रहे हैं। तो फिर गाइस इसीलिए हमने सोचा कि हमारा सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। तो गाइस अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ, मैंने ये सब कुछ पैक कर लिया, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।